विषय को और अधिक संवादात्मक बनाने के लिए व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें कल प्रशांत कुलकर्णी जी वक्ता थे और आज श्री मित्रेश सिंह, श्री अमृतेश आनंद तथा श्री दिनेश शर्मा द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम मित्रेश सिंह जी को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। Hello, Namaskar and good evening everybody. Thank you very much for coming to this Bihar Museum lecture series for the public audience. I mixed up, kabhi Hindi, kabhi English, it's more comfortable ki English mein bola jaye. Sabse pehle to thank you very much for the honorary guests for gracing this lecture series, and thank you very much for Vishi Madam for organizing this seminar for all of us. इस बिहार म्यूजियम के संग्रहालय में हम लोग जो बाहर से आए हैं, ये एक प्राइम एग्जाम्पल है जिसे मैं कह सकता हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ दो चार महीने पहले कि पीएम मोदी साहब ने कहा था कि अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हेरिटेज, जो हमारा कल्चर है, जो कि ना मेरा है ना आपका है, हम सबका है, तो ये कल्चर के लिए उन्होंने कहा था कि पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप होनी चाहिए, जिसके तहत जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं वो दिए जा रहे थे देख रखाव के लिए। ए आई सी तो करेगा ही अपना देख रखाव के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए टू द प्राइवेट सेक्टर। उसी तहत ये सीरीज के मैं मानता हूँ कि बिहार म्यूजियम की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने पहली बार कलेक्टर्स को, जो कि प्राइवेट कलेक्टर्स हैं, हम सब प्राइवेट कलेक्टर्स हैं, अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, अपने जॉब्स में, बिजनेसेस में, इन्होंने पहल की है हिंदुस्तान में, उन्होंने पहले पहल की है। आज तक दिल्ली के नेशनल म्यूजियम, बॉम्बे के जो बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, किसी ने यह पहल नहीं किया है कि प्राइवेट कलेक्टर्स को बुला के पब्लिक सीरीज और एग्जीबिशन कराया जाए। तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट स्टार्ट एंड आई थिंक बिहार म्यूजियम डिजर्व्स अ बिग क्लैप एंड हैंड्स फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें बिहार म्यूजियम का जो कौड़ी से क्रेडिट कार्ड तक का जो थीम है, इसमें 22 थीम सेलेक्ट किए गए और उस 22 थीम में पूरे इंडिया भर के कलेक्टर्स को आमंत्रित किया गया कि आप अपनी कलेक्शन हमको भेजिए और हम ज्यूरी पैनल में बैठ के इसको हम डिस्कस करके सेलेक्ट करेंगे आप लोगों को। मैंने पंच मार्क थीम्स का कॉइन का सिलेक्शन थीम सेलेक्ट किया, और वो क्यों, पंच मार्क कॉइन्स जिन्हें हिंदी में कहा जाता आहत मुद्रा या आहत अंकित मुद्रा, ये अपने इंडिया के और ये अपने विश्व के भी पहले सिक्के हैं। और इसमें मेरा खास इंटरेस्ट है क्योंकि जो पहले सिक्के हैं उनमें से मगध के भी सिक्के आते हैं, जो सबसे प्राचीन, सबसे एंशियंट और सबसे पहले सिक्के हैं। उस पर खास इंटरेस्ट ये है, मैं खुद इस भूमि का हूँ, मैं खुद मगध का हूँ, औरंगाबाद का हूँ, दिल्ली में शिफ्ट हो गया था, मैं 8 साल का था, बट अपनी भूमि मेरी भी यही है। तो इनसे मैंने कहा था कि यह सेशन एग्जीबिशन कलेक्शन इस थीम पे मैं ही करूँगा, मेरा पहला हक है और इसलिए मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। सो जैसे कि थीम जो है ये बिहार म्यूजियम का, उसमें आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, स्मॉल इंट्रोडक्शन, कि मेरा बैकग्राउंड, मैं इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और यूएस से भी मैंने सीए किया हुआ है, सीपीए बोलते हैं वहाँ पे, और रिस्क मैनेजमेंट, अपना कॉरपोरेट गवर्नेंस, इन सब्स में मैंने फॉरेन बैंक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मेरे बॉसेस कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं, मेरे बॉसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशल्स रहे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेलीगेशन से मैंने फॉरेन कंट्रीज़ का रिप्रेजेंट किया हुआ है भारत सरकार के साथ, प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया हुआ है, तो कंसल्टेंसी मैं आजकल करता हूँ दिल्ली बेस्ड फॉरेन कंपनीज के लिए। जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड, इस एग्जीबिशन में मैंने 277 सिक्के डिस्प्ले किए अपनी कलेक्शन के, थीम सारा पंच मार्क पॉइंट्स है,
जो कि तीन क्षेत्रों में विभाजित है, महाजनपदा के सिक्के, लोकल जनपद के सिक्के, मौर्य शासन के सिक्के। ये जो है पंचमा कॉइन्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको मेरी कलेक्शन के जो गैलरी में है लगे हुए, वहाँ पे आपको ये दिखे हुए आपको मिल जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा मैं बाद में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले इसमें जानने की बात ये, गौर करने की बात ये है कि ये सिक्कों का प्रचलन शुरू कब और कैसे हुआ। तो 8th और 6th सेंचुरी के बीच में ये मान्यता है कि इंडिपेंडेंटली तीन क्षेत्रों में सिक्कों का इजाद हुआ और प्रचलन हुआ, यूनान विच इज ग्रीस, चीन विच इज इन द ईस्ट, और भारत जो कि बीच में। तीनों सिविलाइजेशंस ने अलग अलग किस्म के सिक्के निकाले एंड दे आर नॉट कोरिलेटेड टू ईच अदर। यूनान के सिक्के जो थे इलेक्ट्रम के थे, विच इज द अलॉय ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, हाई स्ट्राइकिंग टेक्निक। चीन के जो सिक्के थे कॉपर और ब्रॉन्ज के, कास्टिंग टेक्निक से बीच में छेद, जिसमें आप रस्सी डाल के बांध के हजार सिक्के टुकड़े कंधे में लाद के लेके जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इंडिया के जो सिक्के हैं वो जो शुरुआत हुई उसकी जो ओरिजिन जो है, उसकी जो टेक्निक है, उसको पंचमा कॉइन्स कहा जाता है, और ये चांदी के हैं पहले सिक्के। तो इसमें जो सिक्कों की शुरुआत जो हुई उसका रीज़न ये था कि जो बाटर सिस्टम है, बाटर सिस्टम में बहुत तकलीफ होती थी। मेरे पास एक गाय है, आपके पास चावल की बोरी है, इनके पास चमड़ा है, उनके पास दाल है, उनके पास फल खेत खलिहान है, चेंज कैसे करें? मुझे दो बोरी राइस चाहिए, और पता चल रहा है कि आपके पास गाय जिसकी वैल्यू 10 बोरी राइस है, तो गाय तो थोड़ा ना काट देंगे, तो तकलीफ वाली बात है। मुझे कौड़ी चाहिए, आपके पास चमड़ा, मुझे चमड़ा नहीं चाहिए, हाउ डू वी एक्सचेंज? कोई कॉमन मीडियम तो होना चाहिए। तो वो कॉमन मीडिया फिर धातु बन गया। क्यों धातु बन गया है? कि धातु जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो स्मॉल है, वो पोर्टेबल है, मैलेबल है, आप स्ट्राइक करके उसको कोई भी शेप देख सकते हैं। तो वो धातु जो है वो टुकड़ा या पीस, वो धातु धातु ही रहता है, वो कॉइन में कब बदलता है? क्या कंडीशंस होते हैं? तीन कंडीशंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दैट कन्वर्ट्स और दैट चेंजेस अ प्योर मेटल और अ पीस ऑफ मेटल टू अ करेंसी सिस्टम और अ कॉइन। और ये तीन कंडीशंस जो है वो है कि उस धातु पे कुछ अंकित होना चाहिए, चाहे वो लेजेंड हो, स्क्रिप्ट हो, पोर्ट्रेट हो, मार्क हो, कुछ भी। दूसरा जो है, आवाज आ रही है सबको? दूसरा जो है वो ये है कि उसके ऊपर ऑथराइजेशन होना चाहिए स्टेट का, इशूइंग अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट हो, जनपद हो, ट्राइबल रिपब्लिक हो, गिल्ड हो, कुछ भी हो। और तीसरा, वेट समानता होना चाहिए, वेट शुड बी यूनिफॉर्म, स्टैंडर्डाइजेशन। आपके पास 10 रुपए का सिक्का है, आपके पास भी 10 रुपए का सिक्का है, इनका वजन 20 ग्राम है, आपका वजन 50 ग्राम है, मूल्य 10 रुपए का सिक्का ही, आप फायदे में, आपका 50 ग्राम ये नुकसान में, क्योंकि जब आप मेल्ट करेंगे आपको ज़्यादा मिल रहा है ग्रामेज। सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट, ऑफिशियल इशूइंग मार्क ऑफ ए स्टेट एंड उसके ऊपर गारंटी ऑफ द वेट, ये तीन प्लेन धातु को एक कॉइन या करेंसी बना देते हैं। हर एक जनपद के कॉइन में भी अंकित चिन्ह अलग थे। हम लोग इंडिया में यूज करते हैं इंडिया के नोट, इंडिया के कॉइन्स, वाई वुड वी यूज और अलाउ एनी अदर नेशन टू यूज अवर सिंबल्स? ये तो हमारी स्वतंत्रता के प्रतीक है ना। तो पुराने जनपद भी यही था, मगर अपना चिन्ह किसी और को क्यों यूज करने देगा? फॉर एग्जाम्पल, तो इन सब सिक्कों को, पंचमार कॉइन्स को ओरिजिन यही है कि बाटर सिस्टम से यह प्रोग्रेशन है टुवर्ड्स अ मॉनेटरी सिस्टम एंड यू आर यूजिंग द मेटल, उसके ऊपर ये थ्री प्री कंडीशंस को आप उसको मिला के एक करेंसी सिस्टम आप उसको निकाल रहे हैं। तो ये करेंसी सिस्टम जो है उसके लिए मैंने बताया कि ये पंचमार्क है। तो पंचमार्क कॉइन्स यानी आहत मुद्रा। कल गैलरी में कॉलेज के कुछ 3-4 लड़के आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि इनको आहत क्यों बोलते। मैंने बोला कि तुम अगर अपनी गर्लफ्रेंड को गुलाब का फूल दोगे और वो गुलाब के फूल को
जमीन पे गिरा के उसके ऊपर सैंडल से मरोड़ दे, तुम्हारे दिल पे क्या होगा? दिल आहत हुआ ना तुम्हारा, चोट पहुंची। तो यहाँ पर ये धातु पे चोट पहुंचाई जा रही है, किस चीज से? ना थोड़ी सू भाई, हैंडमेड स्ट्रक से क्वाइट है ना, मशीन थोड़ी ना, मशीन तो 47वीं शताब्दी में आई है। तो धातु के ऊपर जब आप आहत कर रहे हैं उसके ऊपर, छैना थोड़ी से सिंबल को मार्क को जब उसको पंच कर रहे हैं मैनुअली, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड पंच मार्क, यानी आहत मुद्रा। ये उनका ओरिजिन है। और ये बनते कैसे थे? चांदी आई, आपने उसको भट्टी में डाला, मेल्ट किया, मोल्टन मेटल को आपने मान लीजिए कि इतना ही बड़ा जो डायस है, इस डायस से इतना बड़ा टेबल है, उसके ऊपर आपने लिटा दिया, फैला दिया चांदी। उसके बाद आपने उसको काटा, जब वो थोड़ा कूल हो गया, स्ट्रिप्स कट गए, उसके बाद आपने थिन पतले तार, इतने लंबे लंबे, उसमें से आपने डाई बनाई छोटी छोटी सिंबल्स की, और डाई पे आपने रिवर्स में इमेज को कार्व किया, जैसे एम्बुलेंस होती है उसमें रिवर्स में लिखा जाता है ताकि हमारा रियर व्यू मिले, हमको सीधा दिख रहे, वही डाई पे भी रिवर्स में सारे जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स तो बहुत हैं, 3,000, 4,000, 5,000 सिंबल्स हैं, हर एक सिंबल की डाई बनाई गई छोटी छोटी, वो डाइस को फिर आपने उस मॉर्टन शीट के ऊपर, चार पांच लोग इधर खड़े हैं, चार पांच लोग उधर खड़े हैं, मालूम नहीं कितने लोग थे, पांच भी हो सकते, 100 भी हो सकते, बैटरी भी हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर पाँच इधर पाँच उधर, बीच में शीट है चांदी की, वो खड़े होकर ठपटक 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 फास्ट कर रहे हैं, क्यों? उनकी आदत है, प्रैक्टिस है, दे आर हैबिचुएटेड। पोस्ट ऑफिस आई है, टेबल के ऊपर डाक फैली होती है आपकी, और डाकिया ठकाटक ठकाटक ठपटक मारा जा रहा होता है, टाइम के ऊपर कैंसिलेशन स्टार्ट, वो कागज के पेपर कर रहा है, ये चांदी पे हथौड़ा से वही सिंबल वही टेक्निक मार्क कर रहे हैं। अभी भी होता है गाँव में और इधर उधर, बैल और गाय और बकरी और भेड़, आपको क्या मालूम चलेगा कि ये हमारी गाय की पड़ोसी की गाय है, वो तो सब खेत में एक साथ ही चल रही है, तो स्टैंपिंग करते थे ना वो गाय के ऊपर, ब्रांड मारते थे ना, वो ब्रांड क्या होता था? आप एक्स मार्क कर देंगे, आप स्वास्तिक बना देंगे, आप अपना नाम लिख देंगे, इनिशियल लिख देंगे MR, या कुछ चीज़ें बना देंगे ताकि पता चले कि ये गाय आपकी उस गाय से फ़र्क है, ये उनकी है ये हमारी है, ये वही सिंबल है, ये वही टेक्निक है, ये पंच करके आप मेटल के ऊपर सिंबल डाल रहे हैं, और हर जनपद अपना अलग सिंबल डालेगा ताकि पहचान रहे ये जनपद का ये जनपद। That was a technique, the start of the coinage. नाम हमें पता चलते हैं, आप यहाँ देखेंगे एक compilation, इसमें पणिनी की अष्टाध्यायी है 520 में, जतक बुद्धिस्ट लिटरेचर है 420 में, और आपके चाणक्य की अर्थशास्त्र में, जो ये नाम हमें पता चलते हैं लिटरेरी सोर्सेस से, और इसमें आपको कॉमन जो नाम आपको देखेगा, इसके फ्रैक्शंस हैं, इसके मल्टीपल्स हैं, दैट शोड कितने एडवांस थे। हम लोग के दिमाग में यह है कि कॉइनेज हमारी, अभी कई जो लोग आए थे एग्जाम्पल बोलते कि जी हमारे दिमाग में यही है कि कॉइन का मतलब पैसा, यहाँ ना अच्छा पैसा हो रहा था, अभी 100 साल भी नहीं हुए भाई, हमारी हिस्ट्री तो 2600 साल पुरानी है, आप जानिए अभी तो यह कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, एग्जीबिशन किया गया है, सो दैट यू नो एंड यू गेट अटैच्ड एंड यू अंडरस्टैंड कि आपका कल्चर क्या है। तो पूछे कि हम अटैच कैसे हैं, तो बोले कि जो धातु होता है, जो मेटल होता है, हम लोग पहनते नहीं हैं, मैंने हाथ में अंगूठी पहनी है, आपने चेन पहनी है, किसी ने कड़ा और बैंगल पहना है, हम मेटल क्यों पहनते हैं अपने बॉडी के ऊपर, सोना और चांदी क्यों पहनते हैं, क्योंकि मेटल जो है हमारा बॉडी भी तो तत्वों से बना है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज होती है जो हम पहनते हैं अपने ऊपर शरीर पे, बोलते हैं कि इससे हमारा कुछ हेल्थ का बेनिफिट्स है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो धातु है, जो पंच बार पॉइंट्स है, ये अगर आपके पूर्वजों ने और मेरे पूर्वजों ने इस एरिया में उसको चलाया है, उसको यूज़ किया है हाथ से, उन पुरखों का अगर 0.00001% भी ऊर्जा इस धातु में है, तो मैं और आप कनेक्टेड हूँ। मैंने वो पकड़ा हुआ अपने हाथ में वो धातु का सिक्का, मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, और यही मान्यता है अपने कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन इन कॉलेज में। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसी वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशन है। ये मेरे बोलने से पहले ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो ये तो नाम आगे, सबसे इसमें कॉमन जो नाम है वो आता है कर्षापन। तो पना इज ए डिनोमिनेशन, कर्षाप इज द नेम ऑफ ए सीड, बीज। इस बीज को रत्ती भी बोलते हैं,
द ओरिजिन वर्ड इज फ्रॉम रक्तिका जो कि प्राकृत में है. ज्वेलरी में ये टर्म यूज होता है रत्ती, कितने रत्ती की है ये अंगूठी, कितने रत्ती की है ये अपना जो भी रिंग है व्हाटएवर. रत्ती इज अ सीड, एक लाल रंग का सीड होता है विद ब्लैक टिप. वो सीड से यूनिफॉर्म वेइंग मीडियम आपका एस्टैब्लिश हुआ जिसे वो वे करते थे. इसलिए पंचमार्क शेप कॉइंस की शेप इरेगुलर होती है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पंचमार्क कॉइंस विल बी यूनिफॉर्म शेप और साइज. इट कैन अज्यूम एनी शेप बिकॉज एक्चुअली द शेप एंड द फॉर्म डिड नॉट मैटर. व्हाट मैटर वाज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेट. और वो जो वेट जो था जो यूनिफॉर्म नहीं था, वेट अपने रेंज से ज़्यादा था, तो वो पॉइंट को चिप और क्लिप कर दिया जाता था साइड से ताकि वो वापस अपने वेट रेंज पे. और ऐसा नहीं था कि ठग लोग पुराने ज़माने में नहीं थे, आज भी हैं, आज से 2500 साल पहले भी थे. अर्थशास्त्र में पटदिय यानी चाणक्य ने बहुत क्लियरली एक चैप्टर में मेंशन किया गया है कि ठगी से कैसे बचा जाए. यानी चंद्रगुप्त मौर्य अशोक फाइनली ठग लोग ठगी कर रहे थे, फोर्जरी कर रहे थे. तो इन कॉइन्स के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं छोटे छोटे, फ्रंट पे मिलते हैं बैक पे मिलते हैं. दैट इज टेस्टिंग फॉर द प्योरिटी ऑफ द मेटल एंड टेस्टिंग फॉर द गारंटी ऑफ द वेट. सो दिस वॉज अ लवली सिस्टम.